अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको शाही चिकन की रेसिपी दूंगी, शाही चिकन ग्रेवी। ये सालन होता है चिकन का, जो बहुत शौक़ से खाया जाता है और रेस्टोरेंट्स में आपको बहुत कॉस्टली मिलता है, राइट। उसके लिए मैंने ये चिकन ली है, हाफ़ के जी मैंने चिकन ली है। इसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसमें जाएगा जनाब दो प्याज हैं मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। और जनाब इसमें मसालों में इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, सही है। 1 कप इसमें दूध जाएगा, राइट, क्योंकि शाही है तो इसमें शाही मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट जाएगा, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी जाएगी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा। और ये असली घी में हम बनाएंगे। अगर आपके पास असली घी ना हो तो आप डालडा घी या बनस्पति घी भी ले सकती हैं। इसका स्पेशल मसाला होता है जिसको हम रोस्ट करेंगे। ये कश्मीरी ड्राई रेड चिली हैं, इनको हम रोस्ट करेंगे। 10-15 बादाम हैं, 3 लौंगे हैं, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, ये काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स, धनिया है साबुत। ये सारी चीज़ें हम रोस्ट करेंगे और फिर इस मसाले को पीस के हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा इसमें 1 कप दही जाएगी, 1/2 कप हम अभी इसमें मैरिनेट करेंगे चिकन को, और 1/2 कप हम इसकी ग्रेवी में ऐड करेंगे। सबसे पहले देखिए, मसाला रोस्ट करने से पहले हम पैन में घी लेंगे और घी में हम प्याज को ब्राउन करेंगे और ब्राउन करके उसको निकाल लेंगे, राइट। इसको स्लो हीट पे हम पकने रख देंगे और प्याज हम ब्राउन होने देंगे, ब्राउन करके निकाल लेंगे। तब तक हम चिकन को मैरिनेट करते हैं जब तक हमारी ब्राउन हो रही है, राइट। ये हम दूसरे स्टोव पे रख देते हैं। यहाँ हम अपना मसाला भी हम रोस्ट कर लेते हैं। ये मसाला है ड्राई मसाला, जो शाही मसाला स्पेशल है, ये हम रोस्ट करेंगे और इसको हम पीस लेंगे। उसके बाद हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, राइट। ये देखें, हमारा मसाला रोस्ट हो रहा है बिल्कुल स्लो हीट पे, हम इसको रोस्ट करेंगे। दूसरी तरफ हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। बहुत जल्दी बनने वाली डिश है, आपके मेहमानों के लिए बहुत बेहतरीन। ये एक आपको मैं ग्रेवी दे रही हूँ। अच्छा, ये जो है आप इसको मटन में और बीफ में भी बना सकती हैं। पहले आप मटन को या बीफ को अच्छी तरह उबाल लें लहसुन अदरक पेस्ट डालकर और नमक डालकर। फिर उसके बाद आप यही मेथड करें जो हम चिकन में कर रहे हैं। चिकन तो हमारी जल्दी गल जाती है, राइट। ये हमारा मसाला रोस्ट हो जाए। ये देखें, हमारा मसाला रोस्ट हो चुका है, मिर्चें भी हमारी रोस्ट हो गई हैं। अगर आपके पास ये कश्मीरी मिर्चें ना हों तो आप इसके अंदर वो पटना मिर्चें गोल वाली जो आती हैं, आप वो भी 4 से 5 डाल सकती हैं। ये मसाला हम पीस लेंगे, राइट। देखें, जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, राइट। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, और जनाब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप दही। ये मैंने घर की जमाई हुई दही है, ये डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ढक के हम 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे। फिर हम जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी, उसी ऑयल के अंदर हम इस चिकन को हम तेज़ आंच पे ब्राउन करेंगे, राइट। देखें, हमने मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे और हम अपनी प्याज को ब्राउन करेंगे और इसको ढक के रख देंगे। 15 मिनट बाद हम इसको ऑयल में तलेंगे। देखें, हमारी प्याज अब ब्राउन हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे और फिर इसके अंदर हम अपनी मैरिनेटेड चिकन, जिसे 15 मिनट हो गए हैं, उसे हम डाल देंगे। उसे खूब तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। फिर साथ में हम इसमें जो हमने स्पेशल मसाला इसका पीसा है वो हम इसमें डाल देंगे। हमने स्टोव को ऑफ कर दिया है, मेरे पास वो प्लास्टिक वाला ये था नहीं स्ट्रेनर, तो मैंने ये स्टील के से निकाल लिया। आप नॉन स्टिक में ये यूज़ मत कीजिएगा, इससे आपको नॉन स्टिक की पॉलिश उतर जाएगी। मैं बहुत एहतियात से निकाल रही हूँ। मेरी प्याज जल रही थी मेरे हाथ में, जैसे ही ये कप गिराया मैंने यही ले लिया, राइट। ये हम निकाल के
इसको ठंडा करेंगे, फिर हम इसको हाथों से क्रश करके इसमें डालेंगे। अब हम उसको उसको ऑन करेंगे, राइट। ऑन करके हम इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे, राइट। ये हम इसमें डाल देंगे और इसको कुछ देर आते हम भूनेंगे। सारा मसाले इसको साफ कर लें अच्छी तरह। देखें हम चिकन को खूब तेज़ आंच पे भून रहे हैं। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, राइट। देखें हमारी चिकन का मसाला भून चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ये रोस्टेड मसाला जो हमने पीसा था ये हम इसमें डाल देंगे। आंच इसकी स्लो कर देंगे बिल्कुल, अच्छी तरह इसको चलाएँगे हम। और इसके अंदर हमने ये जो दही आदि बचाई थी इसको फेंट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे, राइट। ये डालेंगे इसमें और इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे, ब्राउन प्याज जो हमने की थी वो चूरा करके डालेंगे इसके अंदर, हाथ की मदद से क्रश करके डालेंगे, राइट। दही भी हमने डाली, आधी हमने मैरिनेशन में डाली थी, आधी हमने इसकी ग्रेवी में डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरह चला के और ढक देंगे और स्लो हीट पर हम इसको पकने देंगे, राइट। जब इसका मसाला हमारा ड्राई होने लगेगा, थोड़ा कच्चापन निकल जाएगा मसाले का, तब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और जनाब कसूरी मेथी, ब्राउन प्याज और जनाब हरी मिर्चें, ये ऐड करके हम इसे रेडी करेंगे। ये देखें हमारी चिकन का मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें ये हमने ब्राउन की प्याज जो थी इसे हमने क्रश कर लिया है हाथों से, ये हम इसमें डाल देंगे। एक कप हम इसमें दूध डालेंगे, ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, ऐसे हाथों में लेंगे हम, थोड़ी सी लिएगा, मामूली सा टच चाहिए बस, ये हम इसमें डाल देंगे। ये डालकर हम इसको स्लो हीट पर दम पे रख देंगे और हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे काट कर दो तीन। अगर आपको लगे कि पानी इसमें ग्रेवी कम है तो आप एक गिलास हाफ कप पानी भी डाल सकती हैं, या एक कप आप इसमें पानी ऐड कर दें जितना आपको ग्रेवी इसमें चाहिए, राइट। अब मैं इसमें हरी मिर्चें काट के डाल दूँगी, दो तीन हरी मिर्चें हम इसमें काट के डाल, दो काट के डालेंगे, दो हम इसमें साबुत डाल देंगे, ऐसे डालेंगे हम इसमें, एक और काट देंगे और दो हम इसमें साबुत डाल देंगे और मज़ीद हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि मुझे भी कम लग रही है। एक कप हम इसमें पानी डाल देंगे, इसी दूध वाले मग में मैंने पानी लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे और हम इसको अब स्लो हीट पर पकने देंगे ताकि जो हमने ब्राउन प्याज की है ये इसके अंदर मिक्स हो जाए, राइट, और ग्रेवी की शक्ल आ जाए। तो बंद कर दिया हम। देखें हमारा शाही चिकन ग्रेवी अब रेडी है, इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, राइट। देखें कितना शानदार बना है। ये देखें हमारा शाही चिकन ग्रेवी अब रेडी है, देखें कितना खूबसूरत हमारा सालन बना है। और ये आप नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ इसको सर्व कीजिएगा। ये आपको बहुत शानदार सालन आपकी को रेसिपी मिल गई है आपको एक सालन की, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।